श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। श्री सभी साई भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे की भी सभी साई भक्तों को शुभकामनाएं। श्री साई माउली आप सभी की जिंदगी में खुशहाली लाए, आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आज इस वीडियो को आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो श्री साईं सच्चरित्र पारायण की विधि के बारे में है। श्री साईं सच्चरित्र का पारायण आप कैसे करें, तो इसकी वजह ये है कि बहुत सारे साईं भक्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम साईं बाबा की पूजा कैसे करें या हम पे साईं बाबा की कृपा कैसे होगी, हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। तो उस सभी का जवाब है ये, मैं सभी को यही बताती हूँ कि आप श्री साईं सच्चरित्र का पारायण करें। पर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कई भक्त ये नहीं जानते कि श्री साईं सच्चरित्र क्या है और उसका पारायण कैसे करें। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि श्री साईं सच्चरित्र का पारायण क्यों करना चाहिए, श्री साईं सच्चरित्र क्या है और श्री साईं सच्चरित्र का पारायण आप कैसे करें। तो सबसे पहले जो साईं भक्त बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, बाबा की पूजा करना चाहते हैं, बाबा के बारे में जानना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि बाबा की कृपा इन पर हो, जिनके काम अटक गए हैं ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब नहीं लग रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, नेगेटिविटी बहुत है ज़िंदगी में, बीमारियाँ घर कर चुकी हैं, किसी के घर में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, हॉस्पिटल में ही खर्चे होते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे आप, जैसे पे बहुत कम है, बहुत सारी मेहनत करते हैं पर आपका पे बहुत ही कम है, शादी को बहुत साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, कहीं बाहर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, आगे नहीं बढ़ रहे ज़िंदगी में, इन शॉर्ट तो ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें, बीमारियां, संघर्ष है। तो आपको नहीं पता कि उस समय आप क्या करें, साईं बाबा की आप भक्ति करना चाहते हैं पर आपको पता नहीं कैसे करें। तो उन सभी साईं भक्तों के लिए एक ही इलाज है और वो है श्री साईं सच्चरित्र का पारायण। श्री साईं सच्चरित्र के पारायण से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आए हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो श्री साईं सच्चरित्र के पारायण से मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई है और बदलाव आए हैं और इम्प्रूवमेंट हुई है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो श्री साईं सच्चरित्र मेरे लिए तो गुरु है, बाबा की ये पुस्तक, ये बाबा की जीवनी, मैं उसी को गुरु मानती हूँ, उसी की पूजा करती हूँ और श्री साईं सच्चरित्र का रिपीटेडली मैं रीडिंग करती हूँ और ऐसे विधिपूर्वक पारायण भी मैं बाबा की जब आज्ञा हो और बाबा की जब इच्छा हो वो मुझसे पारायण करवा लेते हैं। तो ये सारे जो लीलाएं हैं, ये सारे जो उपाय हैं वो साईं बाबा खुद आपको बता रहे हैं मेरे माध्यम से। तो आप मुझे कोई बहुत बड़े महान भक्त ना समझे, मैं बहुत ही सामान्य और साधारण सी इंसान हूँ जो हर पल ज़िंदगी में यही चाहती हूँ कि बाबा की कृपा मुझ पे बनी रहे और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कोई गलतियाँ ना करूँ, अहंकार मुझ पे हावी ना हो जाए और बाबा की भक्ति में ही मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताना चाहती हूँ। तो मुझे कोई बहुत बड़ी महान भक्त ना समझे, मैं ही बहुत ही साधारण सामान्य भक्त हूँ और बाबा मेरे माध्यम से आप सभी को अपनी बात बता रहे हैं और तो मेरे से शेयर करवा रहे हैं।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले बता दूं कि किसी भी प्रॉब्लम में हैं आप, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आप, श्री साई सच्चरित्र का पारायण करें। साई सच्चरित्र का पारायण क्या है? पारायण का मतलब है 7 दिन में कोई धार्मिक बुक, पुस्तक या कोई धार्मिक बुक, उसको 7 दिन में फिनिश करना। 7 डेज में उसको हम फिनिश करते हैं। जैसे भगवत गीता का पारायण होता है, श्री रामचरित मानस का, रामायण का पारायण होता है, वैसे ही श्री साई सच्चरित्र का पारायण होता है। श्री साई सच्चरित्र क्या है? श्री साई सच्चरित्र बाबा की जीवनी है। जब बाबा, उसमें पूरी बाबा की जीवनी है, जब से बाबा शिरडी में आए थे, शिरडी में नीम के वृक्ष के तले बाबा प्रकट हुए थे, तब से लेके जब बाबा ने महासमाधि ली थी दशहरा के दिन, जो अभी आने वाला है दशहरा, वो बहुत ही पुण्यशाली दिन है, तो दशहरा के दिन बाबा ने महासमाधि ली थी, तब तक बाबा जब शिरडी में रहे तो बाबा कैसे दिखते थे, बाबा का पहनावा क्या था, बाबा कैसे भिक्षा मांगते थे, बाबा अपने भक्तों से कैसे वार्तालाप करते थे, बाबा कहाँ सोते थे और बाबा अपने भक्तों को क्या शिक्षा देते थे, द्वारका माई में बाबा रहते थे, बाबा ने महासमाधि कैसे ली, काका साहेब दीक्षित, श्यामा मास्टर जी, बाईजामा और ये सभी बाबा के जो अंगद भक्त थे उनके बारे में, बाबा उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाए, ये सारी बातें, बाबा की ये सारी लीलाएं इस श्री साई सच्चरित्र में हैं। तो श्री साई सच्चरित्र मूल मराठी में लिखा गया है। जब बाबा थे द्वारका माई में, जब बाबा ह्यूमन फॉर्म में थे शिरडी में, तब बाबा के भक्त अन्ना साहेब दाभोलकर, अन्ना साहेब दाभोलकर को मन में ऐसा हुआ कि मैं श्री साईं बाबा की जीवनी के बारे में लिखूं, तो वो खुद बाबा से आज्ञा लेना चाहते थे पर वो खुद नहीं ले पाए, तो उन्होंने बाबा के बहुत अंगद भक्त श्यामा गुरुजी, श्यामा मास्टर से कहा कि आप मेरे लिए प्लीज़ बाबा से बात करके, बाबा से आज्ञा लेके मुझे बताइए कि मैं बाबा की ज़िंदगी के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो बाबा उसके लिए आज्ञा दे रहे हैं या नहीं। तो एक दिन श्यामा मास्टर ने बाबा से पूछा कि ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, आपके बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि मैं तो फकीर हूँ, मेरे बारे में क्या लिखना, आप उसको आज्ञा दीजिए, ऐसा श्यामा मास्टर ने बाबा से कहा। तो बाबा ने जवाब में कहा कि उसको कहना, उनको कहना कि ईगो ना रखे, कोई अहंकार ना रखे कि ये मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ सारी मेरे बारे में बातें तुम इकट्ठी करना, मैं ही अपनी जीवनी खुद लिखूँगा तुम्हारे माध्यम से। तो जब बाप, कहने का मतलब है कि जब बाबा हयात थे, बाबा ह्यूमन फॉर्म में थे, तभी बाबा ने हेमाड़ पंत जी को आज्ञा दे दी थी कि आप मेरे सच्चरित्र लिखे और मैं ही लिखूँगा आपके माध्यम से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बाबा ने खुद अपने बारे में लिखा है, अपनी लीलाएं बाबा ने खुद लिखी है। इसमें बहुत सारी बाबा की इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं हैं जो जो भक्त इस लीलाओं का कंटिन्यूअसली पठन करता है, वो उनकी ज़िंदगी में भी ऐसी लीलाएं होती हैं जो मैंने खुद ने अनुभव किया है और मैंने अपने अगले वीडियो में भी बताए हैं कि बाबा की जो लीलाएं इसमें लिखी गई हैं, इसमें वर्णित है, जो हमारे साथ भी होती है। तो उसके बाद अन्ना साहेब दाभोलकर ने ये बाबा का श्री साई सच्चरित्र मराठी में लिखा था पूरा, तो उसका अनुवाद दूसरी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में भी हुआ है, हिंदी है, गुजराती है, मलयाली है, तेलुगु है और कई सारी भाषा, सिंधी है, पंजाबी है, ऐसी कई सारी भाषा में इसका ओरिजिनल मराठी में से अनुवाद किया गया है। और श्री साई सच्चरित्र शिरडी संस्थान शिरडी में मिलता है, शिरडी में अवेलेबल है और दूसरी कई बुक स्टॉल्स में भी श्री साई सच्चरित्र मिलता है। ओरिजिनल श्री साई सच्चरित्र संस्थान का जो आता है, आप
उसी को रीड करें। उसमें श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी ऐसा लिखा हुआ होता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है। मैं आपको पिछले काफ़ी वीडियोस में भी मैंने दिखाया है, इसमें फिर से दिखा रही हूँ कि ये ऐसा है, गुजराती में है मेरे पास और इसमें संस्था का है ये, ऐसा लिखा है। तो आप कोई भी बुक स्टॉल से जहाँ पे ये मिलता है वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर आप शिरडी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसमें जाके भी आपके पास नहीं है तो आप मंगवा सकते हो। और मैं इसका पीडीएफ लिंक भी संस्थान का है, 53 अध्याय है इसमें, श्री साई सच्चरित्र में 53 अध्याय है, वो सारे एक एक करके सारे लिंक मैं इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दूंगी। अगर आपके पास श्री साई सच्चरित्र की बुक नहीं है तो आप लिंक पे जाके उसका प्रिंट निकाल सकते हो या लिंक पे जाके उसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो ये कोई इतना बड़ा बुक नहीं है, तो उसके टोटल 325 ऐसे समथिंग पेज है, 325-27 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अनुवाद के हिसाब से, शायद डिफरेंट ज़्यादा कम पेजेस हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 400 या 500 पेजेस होंगे कोई और लैंग्वेजेस में भी। जो मेरे पास है इसमें 325 पेजेस ही हैं, तो मेरे लिए तो ये श्री साई सच्चरित्र गुरु समान है और मैं इसका हमेशा पारायण करती हूँ और मेरी सारी तकलीफें, मेरे फैमिली की तकलीफें इससे दूर होती है और हम जिंदगी में मूव फॉरवर्ड करते हैं इसकी पारायण करने के बाद। बहुत ही अच्छे अनुभव हुए हैं मुझे विधिपूर्वक पारायण करने से। बाबा मेरे सपने में आके मुझे गाइडेंस देते हैं कि मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या मेरे साथ आगे क्या होने वाला है या क्या होगा। ऐसे विजन्स और विजुअल्स भी मुझे आते हैं, जो होने वाला होता है वो मैं पहले से ही सपने में देख लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि ऐसा इन नियर फ्यूचर होगा। तो ये सच्चरित्र के पारायण से ही सब कुछ हो रहा है, बहुत ही अच्छे अनुभव हुए हैं मुझे, तो आपको भी अवश्य होंगे। तो ज़्यादा टाइम मुझे लगता है मैंने ले लिया है, बट इट वॉज ऑल नेसेसरी। तो मैं बता दूं कि श्री साई सच्चरित्र का पारायण आप कैसे करें। तो श्री साई सच्चरित्र का पारायण करने के लिए आप थर्सडे से स्टार्ट करें, एनी थर्सडे, गुरुवार के दिन से आप स्टार्ट करना है आपको पारायण करने, पारायण गुरुवार के दिन से आपको स्टार्ट करना है। तो गुरुवार की दिन सुबह से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो आई रेकमेंड कि आप सुबह से करें। अगर कोई जॉब कर रहे हैं और बहुत बिजी हुए हैं तो आप सुबह नहीं कर सकते, तो आप शाम को या रात को अपना काम फिनिश करने के बाद भी कर सकते हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है। पर जो घर पे बैठे हैं और जो कर सकते हैं वो सुबह से ही स्टार्ट करें, जो फ्री होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं और जो कोई भी फ्री रहते हैं, तो वो सुबह एनी थर्सडे को आप सुबह से स्टार्ट करना। सुबह से स्टार्ट करने सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको श्री साई सच्चरित्र का जो आपकी बुक है वो ले लेनी है आपके पास, आपको बाबा की फ़ोटो या बाबा की मूर्ति जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। आपका जो मंदिर है, घर में मंदिर है या घर में मंदिर नहीं बना, या आप कहीं बाहर रहते हैं, तो वट एवर इट इज़, कोई एकदम स्वच्छ जगह, एकदम क्लीन जगह को क्लीन करके एक कोने में या एक कमरे में क्लीनलीनेस ज़रूरी है, क्लीन करके आप एक चौकी बना लो या बाजट या कुछ टेबल ऐसा कुछ रख लो, और कुछ नहीं है तो आप नीचे भी येलो कलर का या कोई आसन या कपड़ा बिछा दो, उसके ऊपर बाबा की मूर्ति या फोटो जो भी है आपके पास वो रख लो, और फोटो को आप स्वच्छ करके नहला के, मूर्ति है तो उसको नहला के और फोटो है तो उसको कपड़े से
साफ करके बाबा की मूर्ति या फोटो को स्वच्छ कर ले आप, उसकी पूजा कर ले जैसे आप पूजा करते हैं। मैं बाबा को चंदन अष्टगंध या चंदन का लेप लगाती हूँ, और डिपेंड्स, मैं डिफरेंट बाबा की डिफरेंट डिफरेंट पूजा या बाबा की डिफरेंट अर्चना करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप जैसे भी करना चाहते हैं, कंकू से करना चाहते हैं, रोली से, कोई अष्टगंध से, कोई चंदन से, जैसे भी आप पूजा करते हो, बाबा को त्रिपुंड या आप बाबा को तिलक लगा लें, बाबा को तैयार कर लें, आप बाबा को फूल चढ़ाएं, आप फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे भी आप पूजा करनी है, धूप कर ले, अगरबत्ती कर ले, अगरबत्ती करना ज़रूरी है, दिया जलाना भी बहुत ज़रूरी है। आई विल रिकमेंड कि आप दिया ज़रूर जलाएं, तो आपका दिया 24/7 डेज के लिए चलना चाहिए। तो आप तेल का या घी का कोई दीपक बाबा के सामने जला ले, और वो आप 7 दिन तक आपको चालू रखना है। तो उसके हिसाब से आप जिसमें भी जलाना चाहते हो, वो बड़ा बड़ा सा कोई दिया या वो ले लेना, मिट्टी का कुल्हड़ जो भी आता है वो, तो उसको जलाने के बाद आपके पास जो श्री साई सच्चरित्र का बुक है, उसका ग्रंथ है, जो बुक है, उसका आपको पूजन करना है। उसका पूजन आप कैसे करेंगे, जैसे ही नॉर्मल आप पेज जैसे खोलेंगे, फर्स्ट पेज, उसमें बाबा की तस्वीर बनी हुई है, या तो फर्स्ट पेज है ऐसे, वो फर्स्ट पेज पे आपको 5 तिलक करना है, कुमकुम या चंदन से, जिससे भी जो भी चीज़ आपके पास है उससे आप कर सकते हैं, और उस पर अक्षत डालने हैं और फूल डालने हैं, और ये ग्रंथ को बाबा के आगे रखना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि श्री साई नाथाय नमः, श्री साई मैं आपके सच्चरित्र का पारायण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप मेरी इसमें सहायता करिएगा, मैं इसको समझ पाऊँ और इसको 7 दिन में मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो इसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए और मैं इसको, इस काम को पार कर जाऊँ, और मुझे जो आप समझाना चाहते हो ज़िंदगी में, आपके बारे में जो बताना चाहते हो, वो आप मुझे अच्छे से बताइएगा और मेरी समझ में आए ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, श्रद्धा और सबूरी भी मुझे दीजिएगा। तो ऐसी प्रार्थना करके इस ग्रंथ को आपको माथे से लगाना है, बाबा के सामने रखना है, उसके साथ आपको बाबा को नैवेद्य अर्पण करना है। नैवेद्य अर्पण करना है मतलब आपके घर में जो कुछ भी बना है वो आप बाबा को ऑफर करें, प्रसाद के रूप में बाबा को ऑफर करें, जैसे जो भी खाना बना है, और उसके साथ कोई मिठाई आप ऑफर करें। सुबह का वक्त है, कुछ नहीं बना, तो आप कोई फ्रूट या कुछ भी बाबा को ऑफर करें, कम से कम बाबा को गुड़ दे, कुछ भी नहीं है तो गुड़ रख दीजिए आप बाबा के पास, बाबा को गुड़ बहुत पसंद है, तो गुड़ रख के ये सारा कुछ करके आपको श्री साई सच्चरित्र का मैं श्री साई सच्चरित्र का रीडिंग स्टार्ट करना है। तो इसमें टोटल, जैसे मैंने पहले बताया, 53 अध्याय हैं, तो आपको 7 दिन में फिनिश करने के लिए एवरी डे 8 या 8 है और 7 ऐसे पढ़ना है। तो आप थर्सडे से स्टार्ट करोगे तो थर्सडे को आप 8 अध्याय पढ़ोगे, आप एक साथ बैठ के 8 अध्याय पढ़ सकते हो, या तो फिर हाफ हाफ करके 4 सुबह 4 शाम को, ऐसे करके आप 8 अध्याय फर्स्ट डे में फिनिश कर सकते हो। दूसरे दिन आपको 7 पढ़ने, फिर 8 पढ़ने, ऐसे ऑल्टरनेट करते करते आपको वेंसडे शाम तक आपको पूरा श्री साई सच्चरित्र 53 अध्याय जो है वो फिनिश करने हैं। बाबा की हर रोज सुबह से स्टार्ट करते हो, तो सुबह जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पूजा करनी है बाबा की, इस ग्रंथ को भी माथे से लगाना है और इसकी भी रोज पूजा करनी है, और उसको ग्रंथ को सबसे पहले जब आप पहले दिन पूजा करो तो आपको एक येलो कलर का नया कपड़ा लेके आना है,
मखमल का या कोई भी कॉटन का, कोई येलो येलो कपड़ा ले लीजिए, येलो नहीं है तो कोई कोई अच्छा सा कलर जैसे पिंक या ब्राइट कलर ले लीजिए, बट आई विल प्रिफर येलो। तो येलो कलर के ऐसे कपड़े में वो ग्रंथ को बांध के ऐसे कवर करके रखना है, क्योंकि यही हमारे गुरु हैं। श्री साईं सच्चरित्र का ग्रंथ ही श्री साईं बाबा खुद है। इसमें बाबा ने खुद सब सारी बातें बताई हैं, वो हमें कैसे ज़िंदगी में रहना चाहिए, श्रद्धा क्या है, सबूरी क्या है, ये जीवन क्या है, पूर्व जन्म क्या है, पाप कर्म क्या है, सब कुछ इसी में लिखा है, जिंदगी कैसे जीते हैं। और बाबा हमारे गुरु हैं, वो एक्सेप्टेंस ये श्री साईं सच्चरित्र के बहुत सारे पारायण करने के बाद ही आता है। तो उसको उस इसकी हमें बहुत इसकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी है। मैं इसकी पूजा करती हूँ और इसको ऐसे येलो कलर के कपड़े में ऐसे बांध के मैं इसी को अपना गुरु मानती हूँ। तो ये श्री साईं सच्चरित्र का ग्रंथ का आपको पूजन करके उसको ऐसे येलो कपड़े में लपेट के अपनी पूजा में रखना है और पूजा स्थान पे बैठ के ही पढ़ना है। तो ये श्री साईं सच्चरित्र का जो ग्रंथ है वो आपको 7 दिन में थर्सडे से स्टार्ट करके नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट करके वेंसडे तक 8-7 8-7 ऐसे ऑल्टरनेटिव पढ़ के आपको फिनिश करना है 53 अध्याय। ये हो सकता है क्योंकि जब बाबा की कृपा रहती है तो सब कुछ पॉसिबल है। और इसमें 300 जितने ही पेजेस हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। तो सुबह या शाम पढ़ के या वॉट एवर आप एक साथ बैठ के पढ़ो या हाफ हाफ करके पढ़ो, 4 सुबह 4 शाम को, पर आपको कैसे भी करके 7 दिन में ये ग्रंथ फिनिश करना है। और एवरी डे बाबा की जब आप स्टार्ट करो पढ़ना तो बाबा की पूजा करनी है और नैवेद्य भी बाबा को अर्पण करना है। और रात को सोने से पहले आपको श्री सद्गुरु साई नाथाय नमः ऐसे एक माला करके आपको सोना है बाबा के आगे। तो ये सारा रिचुअल फॉलो करके आपको 7 दिन में श्री साई सच्चरित्र का पारायण फिनिश करना है। लास्ट डे जब वेंसडे को, ये जब जैसे आप 8-7 करके पढ़ोगे आप वेंसडे तक फिनिश कर लोगे। तो वेंसडे के बाद जब थर्सडे आएगा, द 8th डे 8th डे 8वां दिन, और जब आपका पारायण वेंसडे नाइट को फिनिश हो जाएगा, आप अम्मा अला करके सो जाओगे। फिर दूसरे दिन सुबह आपको श्री साईं बाबा के इसको प्रार्थना करनी है कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो मेरी पूरी समझ में आ जाए और इसका मैं पारायण करने की मुझे और शक्ति देना, श्रद्धा और सबूरी देना, और मेरे सारे काम पूरे होए, जो जिस काम के लिए मैंने ये पारायण किया है वो मेरा हो जाए। और आपको उद्यापन करने के लिए आपको अन्नदान करना है। 7वें दिन 8वें दिन गुरुवार को जब आपका सब फिनिश हो जाए तो गुरुवार को आपको बाबा की जहाँ मूर्ति या फोटो रखी थी वहाँ से लेके आपके अपने पूजा स्थान में वापस रख दिए। अगर वही है तो आप पूजा स्थान में ही ये सब करते थे तो वैसे ही रखिए। पर आपने जो दिया जलाया था, जो 7 दिन तक आपने आपको चालू रखना है, जो मैंने सबसे पहले बताया कि 7 days 24/7 पारायण करते समय रात को भी, आप जब नहीं भी कर रहे तो आपको दिया चालू रखना है। ये मस्ट है, ये नेसेसरी है, दिया आपको जला के ही रखना है। इसको अखंड दिया कहते हैं हम। तो वो दिया आप फिर उस नेक्स्ट डे थर्सडे को अगर आपको नहीं चालू रखना तो कोई नहीं, तो आप उसको वो बंद कर सकते हो या बंद हो जाए तो भी चलेगा, बट जब आपका पारायण चल रहा है तो आपको चालू रखना है। और उसके 7वें आप पूर्णाहुति कैसे करोगे? पूर्णाहुति में आपको अन्नदान करना है। अन्नदान का मतलब है जो ज़रूरतमंद है उनको खाना खिलाना। ज़रूरतमंद का मतलब है कि जो डिसेबल्ड है, जो मांग के खाते हैं, जो भिक्षा मांग के खाते हैं, घर बार नहीं है, जिनका भिक्षापन निर्वाह करते हैं, या अनाथ है, ऐसे जो ज़रूरतमंद हमारे समाज में जो लोग हैं उसको खाना देना है, उनको खाना खिलाना है। अगर आप ये नहीं कर सकते, इफ़ यू कॉन्ट डू दिस, लोग अवेलेबल नहीं हैं, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप चिड़ियों को,
कुत्तों को, बिल्ली को, गाय को, चींटियों को, ऐसे किसी भी जीव को आपको अन्नदान करना है, तो मछलियों को, किसी भी जीव को अन्नदान करना है। किसी भी जीव को दिया गया खाना अन्नदान ही कहलाता है, मनुष्य को दिया गया खाना ही अन्नदान कहलाता है, ऐसे नहीं है। किसी भी जीव को आप खाना खिला सकते हो, कम से कम आप किलो में केजीस में रखना, जैसे 1.25 केजी कुछ गेहूँ चींटियों को आटा 1.25 केजी डाल दिया, या चिड़ियों को 1.25 केजी का बर्ड फीडिंग दे दिया, कैट फीड दे दिया, कैटल फीड दे दिया, तो ऐसे करना। और ट्राई करो कि आप अपने हाथों से ये खिला सको किसी को, अपने हाथों से देना, सिर्फ पैसे देना नहीं, अपने हाथों से, मतलब जहाँ पे भी ये कुछ काम हो रहा होता है कोई जगह पे, वहाँ पे जाके आप अपने हाथों से चिड़ियों को या चींटियों को किसी पेड़ के पास जाके आप आटा डाल दीजिए, पीपल के पेड़ के पास, ऐसा कुछ। या कुत्ते जहाँ पे रखते हैं वहाँ जाके फीडिंग के लिए उनको आप हाथों से खाना खिलाइए। तो यही प्रकार, इसी प्रकार का आपको अन्नदान करना है। तो इससे ये ऐसे करके आपको श्री साई सच्चरित्र पारायण की पूर्णाहुति करनी है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। आपको शिरडी जाने को भी मिलेगा, आपको शिरडी का दर्शन भी मिलेगा, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सारे चेंजेस आएंगे। और ऐसा एक बार नहीं, आप जब भी आपको ज़िंदगी में टाइम मिले, जब भी कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप इसको फिर से करते रहिए। तो ये मेरा बहुत ही अच्छे अनुभव है ऐसा करने से, तो आप भी करें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, और श्रद्धा और सबूरी रखे। श्री साईं बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। आपको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे एहसास होंगे, जैसे मुझे हुए हैं। तो मैं सभी साईं भक्तों के लिए साईं बाबा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि किसी की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें ना रहें, और कोई संघर्ष ना रहे, और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, पॉजिटिविटी आए। तो ये बहुत ही एक अच्छा उपाय है, आप इसे ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ओम श्री साईनाथाय नमः। हैप्पी नवरात्रि, सी यू सून। ओम श्री साईनाथाय नमः।